तो दोस्तों फाइनली वो हो गया जिसका डर था। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में जो मैंने आपको मंथली आउटलुक दिए थे उसमें मैं बार बार आपको कह रहा था कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा और $100 का एक लेवल है जो कभी भी पार हो सकता है। तो फाइनली आज के दिन जब रशिया फुल फ्लेजेड यूक्रेन के ऊपर में चढ़ाई करने जा रहा है, आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल $100 के पार जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप कमोडिटीज में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आगे आने वाले कुछ दिन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए अगर आपकी पोजीशन कमोडिटी में है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। RSI 70 के बहुत पार जा चुका है, 85-86 के लेवल को टच कर कर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग ये करेंगे कि सिर्फ क्रूड ऑयल को आंख बंद करके बाय कर लेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज चल रही है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर पे हमला कर दिया है या हमला कर सकता है। तो अब आपको यहां पर समझना है मार्केट इतना सिंपल नहीं है, मार्केट इतनी आसानी से इस तरीके से आपको पैसे बनाकर नहीं दे सकता है। अगर एक बार दे देगा वो पैसा वापस आपसे ले लेगा। तो अब यहां पर आपको इस चीज को समझना होगा कि इसने आपको एक बाय सिग्नल दिया था, कहां पर दिया था, $92 के ऊपर। अब ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में है जहां पर ये एक बहुत बड़ी ओवरबॉट पोजीशन पे है क्योंकि मैं आपको ये आवर्ली चार्ट बता रहा हूं, ये आवर्ली चार्ट में आपको ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसे 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो अब आप इस चीज को देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है जहां पे क्लियरली आप देख सकते हो प्राइसेस तो लगातार ऊपर जा रही है लेकिन RSI धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइसेस नीचे आकर $98 तक सपोर्ट भी ले सकती हैं और ये होने में शायद 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा लगता है। अब अगर आप यहां पर अपनी पोजीशन बनाते हैं उसके बाद ये मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप आंख बंद करके बाय करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो यहां पर अब आपको समझना है जैसे ही क्रूड ऑयल $100 पार कर चुका है, एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, अननोन लेवल्स पे काम कर रहा है, तो सेल बिल्कुल भी नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको बाय करना है तो आपको अपने टाइम फ्रेम में 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, जब तक कोई सॉलिड सिग्नल ना मिले आंख बंद करके मत बाय कीजिए। फंसने के चांसेस ज्यादा है, पैसे कमाने के चांसेस कम है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार नेचुरल गैस की भी। जब हमने क्रूड ऑयल की बात की है तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के तरह ही आप नेचुरल गैस को देख सकते हो कि नेचुरल गैस एक नया हाई बनाकर ट्रेड कर रहा है। लेकिन लोग फंसते कैसे उसको भी आप समझिए। मार्केट ने क्या किया है, एक गैप अप ओपनिंग दी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का इशू है जो कि बहुत बड़ा टेंशन है और प्राइजेस लगातार ऊपर जा रही हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइसेस लाइव जो चल रहा है वहां पर 21 पीरियड मूविंग एवरेज को प्राइसेस ब्रेक कर रही हैं। अगर आपने RSI की तरफ ध्यान नहीं दिया होता और आप आंख बंद करके बाय कर रहे होते अब आपके फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड नहीं है मार्केट में, शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शंस मिलेंगे। मैंने आपको जो मंथली आउटलुक में लेवल्स दिए थे 450 तक के भी लेवल्स वहां पर बन रहे थे। तो आपको यहाँ पर समझना ये होगा कि अभी भी कुछ दिन बाकी है इस मंथली आउटलुक को पूरा होने में। और अगर आपको यकीन नहीं आता है, आप पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो अब यहां पर आपको समझना ये होगा
कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस करेक्ट कर सकती हैं, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, बाय अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलेगी। न्यूज के बेसिस पे डेरिवेटिव्स को नहीं ट्रेड कीजिए, कमोडिटी मार्केट को नहीं ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आप बाय करेंगे, एक झटका आएगा, आप स्टॉप लॉस खाकर निकल जाएंगे और बाद में देखेंगे मार्केट रिकवर कर गया। तो बहुत सोच समझ कर आपको ट्रेड लेनी है। पॉजिटिव बायसनेस अभी भी है, लेकिन आंख बंद करके मत बाय कीजिए। तो अब बात करते हैं सिल्वर की। 9 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में अपडेट दिया था कि क्यों आपको सिल्वर बाय करके चलना चाहिए। मैंने आपको लेवल्स बताए थे, 63,500 का सपोर्ट लेवल बताया था, और मार्केट पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा, मैंने आपको ये बताया था। आज आप देख सकते हो मार्केट बहुत टाइम से फ्लैट था, मॉर्निंग में जब ये ऊपर खुला एक टिक में जो इसने पूरा का पूरा ऊपर दिया, इसके बाद लगातार प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैं हर कमोडिटी के साथ कह रहा हूं, बायसनेस पॉजिटिव है। यहां पर एक लेवल बनता है करीबन 600-700 पॉइंट नीचे सिल्वर का, 67,800-9,000, जहां पर प्राइसेस नीचे आकर सपोर्ट ले सकती हैं। अगर आपको बाय भी करना है तो उन सपोर्ट लेवल्स पे बाय कीजिए, ना कि चढ़ते हुए प्राइसेस पे बाय कीजिए, फंसने के चांसेस ज्यादा है। यूएस मार्केट चालू होगा, वहां पर आपको बहुत सारे प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेंगे। वापिस से कह रहा हूं, सिल्वर के लिए भी मैंने आपको कहा था जो मंथली आउटलुक है, मैंने वहां पर आपको कहा था कि जो प्राइजेस हैं वो 68,000 के ऊपर भी जा सकते हैं, और आज आपके सामने वो प्राइजेस दिख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कमोडिटीज में ट्रेड कैसे करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ और नए वीडियोस लाने की, कुछ और नए ट्रेडिंग आइडियाज लाने के लिए। तो तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई एक ऐसा टॉपिक बताएं जिसपे आप एक नया वीडियो चाहते हैं।